नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के डिस्कशन में, जबकि एसबीआई के नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों, एसबीआई के नतीजे यानी हमें कुछ डिटेल देखनी होगी बैंकिंग इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री, एसबीआई से हम क्या उम्मीद रखते थे, क्या नतीजे आए और अब हम क्या एक्शन ले, तो इन चीजों पे हम डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको याद करा दूं इंपॉर्टेंट इवेंट। 8 नवंबर से एक नई बैच शुरू होने वाली है जो हमारे साथ लाइव सीखेगी प्रैक्टिकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे हम लोग सीखेंगे अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में, कंपनियों के रिसर्च करेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएंगे। ये 4 महीने तक का ये कोर्स चलेगा और इनमें कई बार लाइव सेशंस होंगे जहां पे हम हमारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। राइट, सो गेट रेडी फॉर दैट बैच। इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन प्रसाद। सो लेट अस टॉक ऑन टुडेज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसबीआई। नतीजे दोस्तों आ चुके हैं। हमारी बैंकिंग अगर हम देखें तो बैंकिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले थी गवर्नमेंट बैंकिंग, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, फिर आई प्राइवेट बैंकिंग। 2 दशक पहले प्राइवेट बैंकर्स को लाइसेंस दिया गया और हमने देखा कि प्राइवेट बैंकिंग के आने के बाद पेनिट्रेशन काफी हद तक अच्छा इंप्रूव हुआ। प्राइवेट बैंकिंग के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग भी एक नया सब्जेक्ट है, एक नई बैंक्स है जिनको अभी 2 साल पहले ही उनको लाइसेंसेस इश्यू हुए हैं। तो आज अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री देखें तो वो 3 पार्ट में बटी हुई है, गवर्नमेंट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके करीबन 21 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है। तो नो डाउट दोस्तों, 21 लाख करोड़ यानी एक बड़ा मार्केट कैप है। बैंक एक बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप, पर इसमें मेजर मार्केट कैप प्राइवेट बैंकिंग का है, जिसमें आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक और कोटक, ये 2 बैंक ले तो भी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो ये 2 बैंक का है। तो आप देख सकते हो 21 लाख करोड़ में सारी 35 बैंक, 2 बैंक अगर हम ले जिसमें एचडीएफसी और कोटक आती है तो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो खाली ये 2 बैंक का है। तो 50% ये दो, 50% में सारा गांव। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी होता है जब कुछ बैंकों पे या कुछ कंपनियों पे इन्वेस्टरों को ज्यादा विश्वास रहता है कि हम इन बैंक में अगर रहेंगे तो और आगे अच्छे बढ़ पाएंगे। बट इट्स फैक्ट, 21 लाख करोड़ का सबका मार्केट कैप। इसमें हम अगर गवर्नमेंट बैंक देखें तो गवर्नमेंट बैंक का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है। अब आप देख सकते हो कि हम आजाद हुए तब से लेके अब तक तो गवर्नमेंट बैंक ही थी, पर फिर भी 21 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट बैंक का मार्केट कैप होता है कुछ 6-7 लाख करोड़। उसमें भी खाली एसबीआई है, आप देख सकते हो 2 लाख करोड़ का एसबीआई का मार्केट कैप। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप एसबीआई से करीबन 3 गुना। इनफैक्ट कोटक और आईसीआईसी का मार्केट कैप भी 1.5 गुना ज्यादा है एसबीआई से। बंधन बैंक भी आज एसबीआई को छोड़ के बाकी जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उनसे तो बहुत आगे। देखो, एसबीआई के बाद सीधे की सीधी अगर गवर्नमेंट बैंक को आती है तो वो है पीएनबी, जिसका मार्केट कैप है 26,000 करोड़ का। राइट, तो 26,000 करोड़ का पीएनबी का मार्केट कैप, 50,000 करोड़ का बंधन बैंक का मार्केट कैप। तो ऐसा कैसे कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी शुरू हुई वो बाकी की गवर्नमेंट बैंक से आगे निकल रही है? विश्वास इसे कहते हैं, एनपीएस के कारण से। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों हुआ और किस बैंक पे ध्यान दे सेक्टर में निवेश करें, ये जानने के लिए कुछ डेटा हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एफर्ट्स रखे गए पिछले कुछ सालों में। वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है कि 51 करोड़ बैंक अकाउंट दुनिया भर में ओपन हुए 2014 to 2017 में, जिसमें से 55% बैंक अकाउंट खाली भारत में ओपन हुए, यानी 32 करोड़ बैंक अकाउंट पिछले 4 साल में ओपन हुए। 2011 तक टोटल 35 करोड़ बैंक अकाउंट भारत में थे। अब जस्ट अंदाजा लगाइए, 125 करोड़ का पॉपुलेशन था पर
कितने के बैंक अकाउंट थे, 35 करोड़ बैंक अकाउंट थे। तो नो डाउट इंडिया में जो इंडस्ट्री थी दैट वाज अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। अब जबकि बैंकिंग अकाउंट खुले हैं, हमने जो देखा कि पिछले 4 साल में 32 करोड़ बैंक अकाउंट नए ओपन हुए, फीमेल पार्टिसिपेंट्स बैंक अकाउंट में खाली 76% था टिल 2011, जो आज 77% पहुंच चुका है। दोस्तों पिछले 4 साल जरूर बैंकिंग की हिस्ट्री में लिखे जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत लंबी सफर हमें तय करनी है। कैसे? दोस्तों भारत का हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है, तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा $2,000 की है सालाना, जबकि चाइना की जीडीपी पर कैपिटा $10,000 की है, यानी वो हमसे 5 गुना ज्यादा कमाते हैं। अब यही चीज अगर हम 25 साल पहले की देखे तो इंडिया चाइना दोनों सेम कमाते थे, 25 नहीं 30-35 साल कहना चाहिए मुझे, 1980 के आसपास हम दोनों की इनकम एक जितनी थी। पर ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो हमसे 5 गुने आगे निकले? दोस्तों इसकी इफेक्ट बैंकिंग पे आती है, क्योंकि लोग ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा पैसा होगा बैंक के पास। अगर हमारे यहाँ पे हम 5 गुना कम पैसा कमाते हैं चाइना से, तो नो डाउट इसका इफेक्ट बैंक पे आता है। दोस्तों चाइनीज बैंक अगर हम देखे तो वो लोग की एवरेज बैंक 10-12 लाख करोड़ का धंधा तो अब करने लगी है, वो लोग प्रॉफिट 2 लाख करोड़ का करने लगे। इनफैक्ट 4 बैंक उनकी ऐसी है जो 2 लाख नहीं 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। हमारी SBI को छोड़ के कोई बैंक 2 लाख करोड़ का धंधा नहीं कर पा रही है। मैक्सिमम HDFC बैंक, SBI तो चलो गवर्नमेंट बैंक है, SBI 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। SBI के अलावा की कोई बैंक अभी 2 लाख करोड़ के धंधे तक नहीं पहुंची है। तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। हम आने वाले समय में देखेंगे कि भारत में से भी कुछ बैंक ऐसी बाहर आएगी जो 2 लाख करोड़ का जो धंधे की बात कर रहे वो छोड़ो, हम प्रॉफिट करती हुई बैंक्स देखेंगे इंडिया में भी जो 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट को पार करेगी। ये हमें अनुमान रखना चाहिए। पर कब? जैसे आने वाले समय में इंडियंस की इनकम इसी प्रकार से इंक्रीज होती है तो इसका जवाब हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों जैसा हमने बताया कि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, PSU बैंक जो पुरानी है, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। मार्केट कैप अगर हम देखें 80% मार्केट कैप प्राइवेट बैंकिंग से आ रहा है, 16 लाख करोड़। धंधा कितना करते हैं लेकिन 6 लाख करोड़। यस, प्रॉफिट मेकिंग ये लोग हैं। गवर्नमेंट बैंक पे अगर हम लोग आए तो गवर्नमेंट बैंक 21 लाख में से अब कितना बचा, 5 लाख करोड़, उतना ही ये लोग इनका मार्केट कैप है। Yes, business है पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने पिछले समय कई NPS देखे, अब ये NPA के कारण प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट बैंक पे दिया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ज्यादातर काम तो गवर्नमेंट बैंक ने किया हुआ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लॉन्चिंग हुआ जिससे रूरल में और पेनिट्रेशन हो, तो हम आने वाले समय में अर्बन रूरल सबको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अब मुझे अगर पैसा कमाना है तो मैं कहां पैसा डालूं? गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक की स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतिहास कहता है गवर्नमेंट बैंक ने पिछले 2 दशक में 15% के CAGR से धंधा बढ़ाया है, पर प्रॉफिट उनके नहीं बढ़े। आप भाव देखें, लेट मी शो यू प्राइस। SBI का प्राइस आपके सामने है, हम अभी भी जो भाव पे ट्रेड कर रहे हैं वो 10-15 साल पुराना भाव है। यानी जो लीडर है वो भी अभी पुराने भाव पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? ड्यू टू ह्यूज NPS। और SBI को छोड़ के अगर कोई भी बैंक अगर आप देखते हो, एनी बैंक, जैसे मैं यहाँ पे यूनियन बैंक लिखता हूँ, यूनियन बैंक का चार्ट आपके सामने है, कौन से भाव पे चल रहा है, 2003 के भाव पे। आप बोलो वो बैंक अपन डालेंगे। ये दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट, वही दोस्तों 2000 के साल में जो भाव चल रहे थे वही भाव चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बैंक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया हाई NPS की वजह से पिछले इतने सालों में। इसी वजह से गवर्नमेंट बैंक्स में निवेश करने से पहले थोड़ा डर लगता है, राइट? प्राइवेट बैंक का बढ़िया ग्रोथ रहा,
प्राइवेट बैंक 20% सीएजीआर से धंधा बढ़ा सकी है और प्रॉफिट भी उनके 20% से बढ़े हैं अगर हम बढ़िया बैंक एचडीएफसी कोटक जैसी बैंकों पे ध्यान दें तो। वेल्थ जबरदस्त क्रिएट हुई प्राइवेट बैंक में और वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई गवर्नमेंट बैंक में ड्यू टू एनपीएस। सीधी बात है, गवर्नमेंट बैंक का फोकस प्योर प्रॉफिट पे नहीं होगा, प्राइवेट बैंक का फोकस रहता है पूरे पूरा प्रॉफिट पे, राइट। इन कमिंग टाइम हम गवर्नमेंट बैंक से भी अच्छा प्रदर्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर कौन सी बैंक? एसबीआई। दोस्तों क्यों एसबीआई? पहली चीज तो ये रिस्क क्यों ले जब प्राइवेट बैंक इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं? जरूर, आपकी बात बिल्कुल सही है, प्राइवेट बैंक पे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स हाई अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं क्योंकि पिछले बहुत से साल उनके खराब थे, बुक वैल्यू पे ही ये कंपनियां हमें मिल रही है। अब आने वाला समय अगर इंप्रूव होता है तो हमें फायदा जरूर हो सकता है, पर आप प्राइवेट बैंक जैसी उम्मीद गवर्नमेंट बैंक से रखोगे तो नहीं चलेगा। सही बात है, सस्ती पीई पे मिल रही है, लेकिन जो ग्रोथ प्राइवेट में मिलेगा वो ग्रोथ थोड़ी ना सेल्स ग्रोथ, वो तो आप गवर्नमेंट बैंक से उम्मीद नहीं रखोगे, राइट। फिर भी यस, एसबीआई इज ट्रेडिंग एट बेटर वैल्यूएशंस और एसबीआई ने प्रूव किया है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर निवेश करते हैं जरूर वहां पे हम लोग 20%+ का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर उनका एक ड्रॉबैक है कि मेजोरिटी ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रीजनल बैंक्स, तो रीजनल एरिया का एक नेगेटिविटी आता है, जबकि कोई भी प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, दोज आर नेशनल बैंक्स, तो वो रिस्क यहाँ पे नहीं रहता, राइट। चलिए दोस्तों, हम गवर्नमेंट बैंक पे अगर निवेश करते हैं, देखो प्राइवेट बैंक में निवेश कर रहे हो आप 10% भी निवेश कर सकते हो, गवर्नमेंट बैंक पे निवेश करते हो तो पोर्टफोलियो का 5% मैक्सिमम, राइट। अब उसमें कौन से बैंक में निवेश करेंगे? तो आपको कोई बैंक मिलेगी नहीं। आप मुझे बताइए, प्राइवेट बैंक में तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड सब में बढ़िया काम किया, पर क्या कोई गवर्नमेंट बैंक ऐसी है जिसमें प्राइवेट की ही तरह लाइफ इंश्योरेंस, जनरल और ये सब लंबी सोच रख के लॉन्च किया? एक ही नाम आएगा, एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने लाइफ, जनरल, एएमसी लॉन्च ही नहीं किया बल्कि उन सब में वो नंबर वन भी है। तो कोई डाउट नहीं है कि एसबीआई इज डूइंग वंडर इन इट्स बिजनेस, हमें एसबीआई पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेटा। दोस्तों एसबीआई प्राइस कितना चल रहा है? 200 रुपया। आज ही रिजल्ट आए हैं, सॉरी कल ही रिजल्ट आए हैं, सेल्स ग्रोथ 6% से बढ़ा है, प्रॉफिट 55% से बढ़े हैं। दोस्तों बढ़िया सक्सेसफुल इन लोगों ने अपनी सब्सिडरीज कंपनी लॉन्च की और आज एसबीआई एएमसी वो भी लिस्टेड नहीं है, उसमें उनका 100% स्टेक है। एसबीआई कार्ड्स पिछले ही साल लॉन्च हुआ, आईपीओ लिस्ट किया था, 70% अभी भी स्टेक है। 58% स्टेक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में है, 70% एसबीआई जनरल में, और यस बैंक जो डिफॉल्ट हुई थी आपको पता ही है, जिसमें एसबीआई ने 30% स्टेक लिया हुआ, राइट। तो एसबीआई जिसकी 23,000 से ज्यादा ब्रांचेज है, 2.5 लाख एम्प्लॉय के द्वारा ये बैंक मैनेज हो रही है और करीबन 45 करोड़ यानी 45 करोड़ का क्लाइंट बेस उनका है। अब 45 करोड़ यानी यस यूएस के पॉपुलेशन जितने तो हमारे एसबीआई के क्लाइंट है। दोस्तों मार्केट शेयर एसबीआई का 23% है। हमने ऑलरेडी पिछले सालों से डिस्कस किया था कि मर्जर के बाद एसबीआई के प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, तो यस मर्जर के बाद हमने देखा कि एसबीआई अपने प्रॉफिट पे वापस आ चुकी है। कंटिन्यू इंक्रीज जो एनपीए में हम लोगों ने देखे थे, जिनके कारण मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स 1995 के प्राइस पे चल रही है। दोस्तों ज्यादातर एनपीए बैंक्स की थी मिड साइज कॉर्पोरेट्स में, 26% एनपीए के कारण थी मिड साइज कॉर्पोरेट, 13% एनपीए लार्जेस्ट कॉर्पोरेट में से, 12% एनपीए एसएमई में से, सबसे बढ़िया होती है रिटेल लोन, खाली 1.6% एनपीए के साथ। जैसा आप देख पा रहे हो एनपीए चिंता का विषय था, ज्यादा एनपीए आई थी 11% जैसे पावर में से, ट्रेडिंग, टेलीकॉम, इंफ्रा, यही वो सेक्टर्स थे जहां से ज्यादा एनपीए आई। पर अभी मोड ऑफ रिकवरी भी आप देख सकते हो कि 35% रिकवरी एनसीएलटी की वजह से आई है, सो दैट वाज रियली अ गुड डिसीजन, राइट, एंड दे आर गोइंग गुड।
अब दोस्तों जैसे इंडिया बढ़ रहा है कैश से 88% डिजिटलाइजेशन की ओर, राइट। मैंने आपको पहले बताया कितने बढ़िया बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं, तो नो डाउट इंडिया भी अब डिजिटल की ओर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। टोटल ट्रांजेक्शन 88% बैंक के बाहर होने लगे हैं। दैट्स गुड न्यूज फॉर एसबीआई ऑल्सो, राइट। तो अब जो समय जो आएगा वो डिजिटल समय रहेगा बैंकों के लिए भी और एसबीआई के लिए भी, ये एक क्रुशियल टर्निंग पॉइंट रह सकता है। आप में से कई लोग 150 रुपए के आसपास एक्यूमुलेट कर रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। हमारा टारगेट था 350, पिछले साल हमने 350 का टारगेट देखा भी, लेकिन कोरोना के कारण 350 से वापस बैंक गिर के 150 रुपए आ चुकी थी। कोरोना के कारण क्यों इतना डर था दोस्तों? बैंकिंग में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज है कि कहां से फंड आता है वो सस्ता आ रहा है क्या, फंड की मोबिलिटी। तो फंड मोबिलिटी चलो अच्छी हुई, सस्ती हुई, आरबीआई ने ब्याज दर कम भी किए थे, जिसका फायदा जरूर बैंक को भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो जो लोन लेते हैं, यानी जहां पे लोन दी जाती है अगर उनकी एनपीए इंक्रीज होती है तो वो प्रॉफिट को गिराती है। एनपीए बढ़ने की दर की वजह से शेयर बाजार में बैंकों ने खराब प्रदर्शन किया। आपका एसबीआई भी 350 से वापस 150 आ गया, बट दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने वापस 150 पे एक्युमुलेट किए, सो सी दैट वाज अ गुड थिंग। अब H1 के रिजल्ट आ चुके हैं। H1 के रिजल्ट कैसे है, लेट अस डिस्कस। दोस्तों यह है पूरा हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने, किस प्रकार से एसबीआई 30,000 करोड़ का जो धंधा करती थी 2 दशक पहले आज 3.5 लाख करोड़ के सेल्स पे पहुंची है, किस प्रकार से जो ये 1,500 करोड़ का प्रॉफिट करते थे आज 18,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं, राइट। ये पिछले 20 साल में बैंक ने 2 बार लॉस भी किया है ड्यू टू हाई एनपीएस, तो इन चीजों को भूलिए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स को प्रायोरिटी लेंडिंग पे भी ध्यान देना होता है। खाली प्रॉफिट मिले वहां भी ये लोग काम नहीं करेंगे, इनको कुछ और भी नियम फॉलो करने हैं। तो आप प्राइवेट बैंक वाला रिटर्न आप गवर्नमेंट बैंक से आशा रखोगे, वो भी तो गलत चीज है, राइट। लेकिन एसबीआई का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा रहा, 14% से सेल्स ग्रोथ, 14% से प्रॉफिट ग्रोथ। एसबीआई कंसिस्टेंट डिविडेंड आपको पे कर रही है इतने सालों से। अब H1 यानी लेटेस्ट रिजल्ट दोस्तों कैसे आए आपके सामने है दोस्तों। 6% से धंधा बढ़ा, 55% से प्रॉफिट बढ़ा, एनपीए जो 7% थे वो 5% हुए, यानी एनपीए डिक्रीज भी हुए हैं, राइट। और मार्जिन भी इनके अच्छे इंप्रूव हुए, जो पिछले साल 4% का मार्जिन थे वो इस साल 60% के मार्जिन पहुंचे हैं। तो वापस एसबीआई अपने पुराने मार्जिन, राइट, हिस्टोरिकल मार्जिन जो थे वहां पे पहुंच रही है, एज यू कैन सी। तो दोस्तों क्या उम्मीद रखे दोस्तों, ये मार्जिन में एक बात बता दूं, मोराटोरियम के बाद, राइट, हमें डर था कि कितने बहुत सारे एनपीए तो नहीं बढ़ेंगे। अब एस पर आरबीआई डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते पूरे एनपीए, पर फिर भी अगर डिस्क्लोज करते तो भी 5 के बदले 6% एनपीए रहते, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एनपीए में बढ़ोतरी होने वाली थी, राइट। तो उम्मीद क्या रखेंगे, चलिए उम्मीद हम क्या रख सकते हैं। इस साल 6% से धंधा बढ़ रहा है, 55% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, चलो हम 55% ना भी उम्मीद रखे, राइट। क्यों ना मैं कह रहा हूं, क्योंकि मोराटोरियम के बाद की डिटेल प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं है एस पर आरबीआई गाइडलाइन में। तो अगर ज्यादा भी एनपी आए तो भी चलो हम ये तो उम्मीद रखेंगे कि भाई एसबीआई के हाल बुरे नहीं है, 15% तो प्रॉफिट हम इस साल करने ही वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म में 15-20% का प्रॉफिट जरूर उम्मीद रख सकते हैं। और यस, ये साल हम देखेंगे जब धंधा करीबन 4 लाख करोड़ तक पहुंचेगा, प्रॉफिट 20,000 करोड़ का आएगा, तो 20,000 करोड़ का प्रॉफिट यानी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। तो कोई डाउट ही आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए कि लाइफ टाइम हाई प्राइस की ओर हम नहीं बढ़ेंगे। लाइफ टाइम हाई प्राइस एसबीआई के क्या थे, लेट मी अगेन शो यू। ये है एसबीआई, राइट।
देखो लाइफ टाइम हाई जहां से टूट के ये 150 आया था, 350 का टारगेट रखना चाहिए ना, क्यों नहीं रख सकते हम लोग 150 रुपए के आसपास। देखो ये वो जगह है जहां पे बार बार शेयर अच्छा बाउंस करता है, और इसीलिए हमने एडवांस में यही प्राइस पे आपको रिकमेंड किया था। सो नो डाउट वी कैन एक्यूमुलेट नियर 150। टारगेट क्या रखेंगे? यस वही पुराना 350 का टारगेट इस साल या अगले साल का। हम लोग उम्मीद रखेंगे यस कि SBI वापस से वही पुराने 20,000 करोड़ के प्रॉफिट पे आ जाए, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स। हम लोग आने वाले 10-1 साल में जरूर उम्मीद रखेंगे दोस्तों कि अपनी SBI 10 लाख करोड़ का धंधा पार करे, जिस प्रकार से चाइनीज बैंक आज 10 लाख करोड़ कंसिस्टेंट डिविडेंड, कंसिस्टेंट इनकम, इनफैक्ट गवर्नमेंट बैंक है, तो फिर जो रिटायर्ड लोग है वो लोग भी उम्मीद रख सकते हैं कि उन्हें कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलता जाएगा। सो यस दे कैन इन्वेस्ट इन दिस SBI, एक्युमुलेट करें 190 से 150 के बीच में, टारगेट रखे 350 रुपए का इस साल या अगले साल का, और आने वाले 3-4 साल में हम जरूर इसको 1100 पार करता हुआ देखेंगे। लेकिन ये टारगेट मार्केट जाने दो, 1100 आता है तब तक भी कंसिस्टेंट इनकम तो मिलने ही वाली है हमें, राइट। सो यस मेरे को लगता है कि आने वाला समय SBI के लिए अच्छा रह सकता है। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्लोजर बता दूं कि यस ये शेयर हमारे खुद के पास भी है, लेकिन हम कह रहे हैं इसलिए आप बाय करो, ये बात जरूरी नहीं है, अच्छी नहीं है। खुद डेटा चेक करें, खुद डिस्कस करें, और आप अपने डिसीजन से बैंक में निवेश कर सकते हो। डेटा स्टडी पसंद आई हो लाइक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं SBI के अलावा कोई और बैंक है जिस पे आपका ध्यान है, यू कैन कमेंट इवन इन अवर कमेंट बॉक्स। राइट, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी।